हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन, और कैसे आप लोग सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह की बज गई है 5 और अभी हम उठ गए हैं। चाय वगैरह भी मैंने बना ली है और मुँह हाथ भी धो दिया, मतलब नहा गई हूँ। बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी इसलिए, तो अभी सब तैयार हो गए हैं और मैं और मम्मी बच रखे, तो मैं भी जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। और आज हम देहरादून निकलेंगे और कल है सगाई, तो फिर चलो अभी जल्दी तैयार होते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। और सुबह आज हम 4 बजे उठ गए थे, थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो रही है, इस वजह से अजीब सा होता है मुझे सुबह में उठ के। तो चलो दोस्तों, अभी मुझे आवाज़ देंगे सब, इसलिए मैं जल्दी जल्दी होती हूँ, पहले तैयार फिर मिलूँगी आपसे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 6 बजे से, और हम हो गए हैं तैयार देहरादून जाने के लिए। और ये देखिए, सभी लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और जो गाड़ी है जिसमें हमने जाना है, तो वो गाड़ी भी आ गई है। हमारी मतलब 3 गाड़ियां हैं, तो वो गाड़ी भी आ गई है और ऊपर पे। तो अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए मामा लोग भी तैयार हो गए, चाचा लोग भी, तो सभी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये अतुल है, तो दादी लोग भी आगे चले गए हैं, और मम्मी लोग और सोनू अभी कमरे में चलें। चलो फिर, तो ये है सोनू का ड्रेसअप कुछ ऐसा और ये है बनारण साहब, ये देखिए हमारे गढ़वाली भाषा में। तो ये है मम्मी का भी ड्रेसअप कुछ। ओ भाई, गैस बन गई। ओ हो हो हो, गैस बन गई भाई। मम्मी ना पूरी गाड़ी खराब है। चलो टाटा सुनो। अरे वो हमारे वाले बैग कहाँ हैं? ली ली गई शायद। अरे हाँ, टाटा सुनो शायद ली गया। हाँ मैं वही तो कह रहा था, वो बैग कहाँ गया। चलो तो दोस्तों फिर चलते हैं। तो सब लोग निकल रहे हैं, ये देखो। ऊपर वहाँ, और ये हमारा हीरो तैयार हो गया है। हम जाएंगे इसलिए कहाँ कहाँ देहरादून है, और ये है गाड़ियाँ तीनों। हाँ धीरे धीरे आपको अपडेट देते रहेंगे। और ये हमारी सेलिब्रिटी है। हेलो, कैसे हो आप लोग? और ये सबसे पहले तैयार हो गई थी आज। वो देखो कहाँ है वो, ये वो है ना, ये है मम्मी, यहाँ पे झाड़ियों में छुप रही है, आराम आराम से आ रही है। और ये 3 गाड़ियाँ, ये हमारी, ये चाचा लोगों की, और ये है ये सिस्टी लोगों की, ये। तो इतने सारे लोग हैं, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। और टाइम कितना हो गया, कितना हो गया टाइम? 6 बजने वाली है। मैंने एडजस्ट कर दिया है और अभी हम सब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी चाची लोग के साथ बैठे हैं, और इस रियांश लोग के। तो खुशी तो दोस्तों, अभी हम धारीदेवी पहुंच गए हैं, और यहाँ पे दर्शन करने के लिए मम्मी लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं कुछ अच्छे काम के लिए, तो यहाँ पे दर्शन करना जरूरी है। तो कर भी दिए पे, देखो दर्शन कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे धारीदेवी का मंदिर, और ये चाचा लोगों की कार यानी सृष्टि लोगों की। तो यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और वहाँ पे लोग हैं। नहीं यार, तो अच्छा लग रहा है वो। और अभी हम सब उतरे हुए हैं यहाँ पे। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, और अभी का हम वेट कर रहे हैं दीपू का। तो यहाँ पे से दीपू भी आएगा हमारे साथ। और ये देखिए मम्मी, कैसी हालत हो गई है मम्मी की। अभी ये सानो सुबह तक तो बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मौसम का मुँह आ गया। चलो तो दोस्तों, दीपू भी आ गया है, देखिए ये आ रहा है, ये देखिए।
ये आशीष है क्या? मैंने आशीष की शक्ल भी आ गई और ये आ गए हैं, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। सब लोग पहुँच गए हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं तीन धारा और अभी नाश्ता करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सुबह 5 बजे से रास्ता लग रखे हैं। और ये देखे सृष्टि और सोनू मम्मी लोग ये हैं। अभी लोग हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद थोड़ा फ्रेश व्रेश होके उसके बाद नाश्ता करते हैं फिर। तो काफ़ी अच्छा रहा सफ़र भी अभी का, बढ़िया है। कैसा लग रहा भाई साहब? बढ़िया लग रहा। चलो तो दोस्तों गंगा दर्शन में करते हैं नाश्ता। दोस्तों अब यहाँ पे सब खाना खा रहे हैं और खाने में है थाली पराठा, खाने में है थाली पराठा, मटर कौन देते हैं। और यहाँ पे देखो ये चाचा लोग बैठे हुए हैं और मम्मी लोग बैठे हुए हैं। सजी में क्यों भाई? भाई से क्यों भाई? अभी हमने यहाँ पे खाना खा लिया है और ये मम्मी लोगों का भी अभी थोड़ा तबीयत ठीक हो गई है, रास्ते में ख़राब हो गई थोड़े, बाय बाय फिर बाद में मिलेंगे। तो ये रही इनकी गाड़ी और अभी हम भी बैठते हैं गाड़ी में। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं देहरादून में और यहाँ पे रिस्पना में रुके हुए हैं क्योंकि हमारी अभी 2 गाड़ियाँ नहीं आई और ट्रैफिक देखो इतना ज़्यादा और गर्मी भी। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे शायद हमें अगले कुछ खिलाएगा। तो ये देखो अंदर ये चले गए हैं और ये रही हमारी गाड़ी, ये सुमो। तो ये सीधा आगे निकल गए हैं, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है अभी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए देहरादून में और अभी हम यहाँ पे कमरा देखने आ रहे हैं। तो पापा ने यहाँ पे किया हुआ है बॉयज रूम, देखिए अब आपका रूम है। तो मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ हमने कमरा देखा हुआ है। गाइस यहाँ का व्यू इतना प्यारा है। तो अभी हम जा रहे हैं गर्ल्स का रूम देखने के लिए। तो ये रूम काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे, सोफे थे, फ्रिज थी, टीवी थी, तो काफ़ी अच्छा है। और फिर हम मम्मी को लेने गए बॉयज़ वाले रूम में क्योंकि मम्मी वहीं पे बैठी हुई थी। तो थोड़ा सा दूर है, अलग अलग बिल्डिंगों में थे ये रूम लिए हुए हैं। तो ये रहा बॉयज़ का रूम। तो ये हॉल टाइप का था, बहुत बड़ा था ये। और हम रुके हुए हैं MLA गेस्ट हाउस में। तो जो जगह जगह के MLA होते तो उनके लिए यहाँ पे कमरे रहते हैं उनके नाम पे बुक। तो जो मेरे ससुर जी है यानी पापा, तो उनका जो BJP के साइड से वो पार्टी में है वहाँ के, तो उन्होंने ये कमरे बुक करवाए हैं और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो ये मम्मी लोग, दादी, चाचा लोग सब आ रहे हैं ऊपर। तो ये देखो मैं अब आपको बिल्डिंग्स दिखा रही थी कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट किया और हम चले गए फिर सामान वगैरह ख़रीदना क्योंकि। और यहाँ पे हम सभी ने अभी खाना खाया। सृष्टि कैसा था खाना? झूठ 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 नहीं, तब थोड़ा क्यों फिर तूने? हाँ इसलिए मन नहीं किया, पर मुझे तो बहुत मिर्ची लगी। और यहाँ पे सभी चाचा लोग, मम्मी पापा लोग सब बैठे हुए हैं, सब ने खाना खा लिया और दादी लोग भी आते हैं। तो अभी हम चलते हैं रूम पे। तो अभी हम खाना खा के भी आ गए हैं, खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे है। हम यहाँ पे रात को डिनर करेंगे बट हमने सोचा कि हम लंच बाहर से करें। और मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि ये कितना बड़ा है, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाई और काफ़ी अच्छा भी है, मतलब जब इतने सारे लोग आते हैं फंक्शन वगैरह के लिए तो काफ़ी सही है। और उसके बाद फिर हम सामान ख़रीदने गए अंकित में क्योंकि अभी काफ़ी सामान भी ख़रीदना है बाकी मम्मी लोगों को रूम पे छोड़ के, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगली वीडियो में, वीडियो के साथ बने रहना और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगी आपको। बाय बाय।